इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। बात स्वयंभू स्तोत्र की चल रही है और उस स्वयंभू स्तोत्र में स्वयंभू बनने की सूत्रों के ऊपर अपन प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। अनंत संसार को सुखाने के लिए अनंतनाथ भगवान ने की स्तुति करते हुए विगत दिनों में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 5 श्लोकों के माध्यम से बहुत ही अद्भुत व्याख्या करते हुए हम सबको यह फार्मूला दे दिया कि आप संसार को बढ़ाना चाहते हो या घटाना, इस संसार में दुख पाना चाहते हो या संसार से हमेशा के लिए मुक्त होकर सुख पाना चाहते हो। ये सारे फार्मूले बहुत सूत्रात्मक रूप से आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पहले श्लोक में मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ ताकि हमें फिर से वह तरोताजा हो जाए। पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अनंत संसार का कारण यह मिथ्यात्व होता है, उस मिथ्यात्व को आपने जड़ मूल से समाप्त कर दिया, इसलिए आपका नाम ही हो गया अनंत जीत। जिन्होंने अनंत संसार को जीत लिया, यथा नाम तथा काम। समझ में आ रहा है? आज अपन कौन से गांव में आए? कुरुम। कुरुम है ना? हाँ, कुरुम का मतलब क्या होता है? कुरुम का मतलब कछुआ। ये भी यथा नाम तथा काम वाला है कि आप कश्यप जिसको बोलते हैं मराठी में, है ना? और वह कछुआ हमको कई विशेषताएं बताता है, कई विशेषताएं। पहले यहाँ की व्याख्या कर देता हूँ थोड़ी सी कि वह कछुए में कम से कम 4 विशेषताएं तो मैंने चिंतन में की अपनी और जो हमारे जीवन को अनंत जित बनाने में सफल हो सकती है। सबसे पहला है कछुआ जो होता है वो अपनी जब भी कोई बाहरी किसी प्रकार का अटैक देता है तो अपने सारे अंगों को संकोच लेता है अंदर में, बस अपनी इंद्रियों को वश में करने का फार्मूला बता रहा है यह कुरुम गांव कछुए के माध्यम से। अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अपने मन को वश में करना है, तभी हम सच में कुरुम हो पाएंगे, कछुए की तरह रह पाएंगे। दूसरी विशेषता है वह धीरे धीरे चलता है लेकिन सतत चलता है। आज का आदमी तेजी से चलता है और थोड़ी देर में ही हांफने लग जाता है। हमारे संत कहते हैं बेटा बड़ का पेड़ बनो, बेत का पेड़ नहीं। बेत का पेड़ एक बरसात में ही 7 फीट ऊंचा नजर आएगा लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आना शुरू हो गया उसको जाते जाके देख लेना वो आड़ा पड़ा हुआ नजर आएगा। और बड़ का पेड़ 7 साल में तो इतना इतना सा होएगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे 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 वह बढ़ता बढ़ता ऐसा बढ़ जाता है कि पूरे नगर को छाया दे देता है। स्वास्थ्य शिविर तो हमने बताया था, क्या विशेषता बताई थी? कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है और जल्दी मर जाता है और कछुआ धीरे धीरे श्वास लेता है इसलिए लंबा जीता है। हाँप हाँप के श्वास मत ले हो, अन्यथा जल्दी ही चले जाओगे। आप देख लीजिए जितने भी चाहे डोली चला लेने वाले होते हैं, पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं और इनकी उम्र बहुत कम होती है, इसीलिए होती है। और कछुए की उम्र वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 150 वर्ष तक की उम्र, अभी भी इस समय भी कछुए की उम्र
तो ये औसत आयु 120-130 वर्ष वृक्ष की बताई। तो ये दीर्घ श्वास लेना सिखाता है कुरुम। और चौथी विशेषता कुरुम की, चौथी विशेषता है कि कछुआ जैसे अपनी शरीर को संकोच लेता है, शर्मिला और संकुचित स्वभाव वाला होता है, वह एकांत प्रिय होता है। कोई थोड़ा सा भी उसके आगे हाथ लिया था ना, तो वो अपने आप को समेट लेता है, समेट लेता। आप देखना उसकी गर्दन भी अंदर हो जाती है। कभी देखा कछुआ? नहीं देखा? देखा कछुआ तो अंदर ले लेता है गर्दन को, चारों पैरों को भी अंदर। अब उसके ऊपर से यदि गाड़ी भी चले जाए, क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जो तलवार होती है, तलवार उसके साथ में एक और होती है ढाल, वो ढाल काय से बनती है? बोलो, कछुए की जो ऊपर की पीठ होती है ना, जो मर जाते हैं कछुए जंगल आदि में, कुरुम की। और उसकी चार विशेषताएं आपको बता दी। अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पहले श्लोक में आचार्य समन्त भद्र स्वामी ने कहा कि मोह मिथ्यात्व को जीतो, और जैसे ही मिथ्यात्व चला जाता है, कारण दूसरे श्लोक में बताया कि कारण के नष्ट होते ही कार्य नष्ट हो जाता है। लिख लो, कारण के बिना कार्य नहीं होता। यदि कारण ही नहीं होगा तो कार्य होगा क्या? नहीं होगा। तो कारण को पहले हटा दो, बस ये संत कहते हैं। यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने कहा कि मिथ्यात्व को नाश कर दिया, अब मोह का नाश तो होना ही है, होना ही है। इस प्रकार से मोह को नाश करने का उपाय उपदेश और कषाय को नाश करने का उपदेश दूसरे श्लोक में बताया। तीसरे में आचार्य समन्त भद्र ने स्वामी ने बताया था कि यह चाह दुखों की राह है, जो हमें आह की ओर ले जाती है। यदि वाह वाह करना चाहते हो तो बस भगवान की पूजा करते हुए स्वाह स्वाह बोलना शुरू कर दो। सही है, चाह राह आह वाह और स्वाह, सबसे बढ़िया स्वाह। तो ये बोलते नहीं है लेकिन बोलना चाहिए। उसके बाद में चौथे श्लोक में जो तृष्णा की नदी है उसको आपने सुखा दिया, क्योंकि तृष्णा की खाई को कितना भी भरो वह भरने वाली है क्या? बोलो कुरुम वालों, भरने वाली है? नहीं, वह तीन काल में नहीं भर सकती। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रित रही, वह रित रही। मैंने चार आपको आकांक्षाएं बताई थी, आकांक्षा दुराकांक्षा भोगाकांक्षा और निराकांक्षा। बस आचार्य भगवान की तरह निराकांक्ष होना है, कोई अपेक्षा कोई आशा आकांक्षा नहीं। और अंतिम पांचवें श्लोक बताया कि हे प्रभु आपका नाम स्मरण भी हमारे कर्मों को काटने वाला है। कैसा? जैसा यदि बाहर बरसात हो तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, आती नहीं होती। अनंतनाथ भगवान की स्तुति में ये पांचों श्लोक आचार्य समन्त भद्र स्वामी ने हमको दिए। और अब आज से हम धर्मनाथ भगवान की, क्योंकि धर्म सबका अपना अपना है और आत्मा का स्वभाव भी धर्म है, वत्थु स्वभाव धर्म है। चारित्रम खल्लु धम्मो, चारित्र को ही धर्म कहा, आचरण में लाओ तब धर्म, रत्नत्रय धर्म और उत्तम क्षमादि आदि धर्म, इस सब ग्रंथों में बताया। उसको अपन को देखना है। अभी तक तो उपजाति और वंशस्थ छंद में आचार्य भगवान ने स्तुति की, आज से अलग छंद है रथाधता, उसमें बहुत ही अच्छा छंद, एक छंद लेते हैं और उसके बाद में आपको आगे की बात बताते हैं। धर्म तीर्थ मन गम प्रवर्तयन, धर्म इत्युनुमत सताम भवान, कर्म कच्छ मदह तपोनि भी, शर्म सास्मत्म वाप संकर। हे भगवन, कौन से भगवन? धर्मनाथ भगवन। अनगम अज्ञानी होता है पाप, और अन अगम यानी पाप से रहित निर्दोष, मल से रहित
धर्म तीर्थम, धर्म रूपी तीर्थ आपने प्रतिपादन किया, इसलिए प्रवर्तयन प्रवर्ताते हुए भवान आप सताम गणधरादि विद्वान, सताम यानी अच्छे पुरुष साधु पुरुष के द्वारा धर्म धर्म इस सार्थक नाम से युक्त माने गए हैं। आपने तपोग्नि तप रूपी अग्नि के द्वारा कर्मक्षयम कर्म रूपी वन को जला दिया, अतहत जलाया है, शाश्वत और अविनाशी सर्म सुख अवाप प्राप्त किया है। इसलिए आप सत्पुरुषों के द्वारा किस नाम से हुए? संकर है, संकर नाम से अनुमत है माने गए हैं। शंकर भगवान, अभी हम आज सामाय कर रहे थे ना, हाँ, वहां भी शंकर जी का चित्र बना हुआ है। तो आप शंकर वीतरागी शंकर कहलाए धर्मनाथ भगवान का, क्योंकि शंकर का मतलब क्या? जो शंकाओं को दूर करे वो शंकर। विष्णु का मतलब क्या? जो विकारों को दूर करे वो विष्णु। और ब्रह्मा का मतलब क्या? जो ब्रह्म को दूर करे वो ब्रह्मा। और क्या बोलते हैं? महेश। महेश का मतलब जो मोह का नाश कर दे वो महेश। इस प्रकार से जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में। हमें नाम से सब नामों से प्रयोजन है, बस उसमें क्या होना चाहिए? वीतरागता। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, बस जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। ये बात ध्यान में रख लेना। आज केशव भारती में अपन सब यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी समाधि स्थल है, जैसे डोंगरगढ़ का बताया था ना अभी हुआ था, वैसे ही इसी जगह उन्होंने, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर ही उनकी समाधि हुई। और तीन मित्र थे, एक आपके गजानन महाराज, एक केशव भारती और एक पीर बाबा। ये तीनों मित्र थे और अगाढ़ मित्र कहते हैं। ये मस्जिद जो यहाँ बनी है उसका शिलान्यास इनके द्वारा हुआ। इतनी मित्रता रहती थी। ये धर्म की सहिष्णुता का ही फल है। धर्मनाथ तीर्थंकर की स्तुति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे को सह नहीं पाते। यही हमारा जो है गलत है। गुरुदेव के मुख से हमने कई बार कहा कि यदि आपको दूसरे के धर्म को देखकर यदि आप नाक मुंह सुटोड़ते हो तो ये भी आपका सही नहीं। हाँ, इस प्रकार से हाँ वीतरागता होना जरूरी, पर उसको आप देखें तो धर्मनाथ भगवान की आज स्तुति करते हुए यही कहा कि आपने तप रूपी अग्नि के द्वारा उन कर्मों के महान वन को जला दिया। और वो तप रूपी अग्नि कहां से आई? धर्म से। रोज प्रतिक्रमण में अभी भी हम पाक्षिक प्रतिक्रमण करके आई रहे हैं, आज चतुर्दशी का। तो उसमें एक छंद आता है वीर भक्ति पढ़ते हुए, जिसमें सातों विभक्तियां भक्तों के लिए है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधास्तिन्विते धर्मेणे समापते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः धर्मान्नास्ते तस्य परम सुरद भवव्रताम धर्मस्य मूलम दया। सारी विभक्तियां हैं। धर्मस्य यानी षष्ठी, धर्मे सप्तमी, धर्मे चित्तमहं प्रतिदिनं ददे हे धर्म मां पालय। संबोधन तक आ गया। पूरी आठों विभक्तियां यहाँ पे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान सभी आपके संबंध
अधिकरण और संबोधन, इस सातों बेटे को क्या क्या अर्थ है, बहुत अच्छा धर्म का क्या अर्थ है वो जानो कि धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म ही सब सुख को करने वाला है, सबका हित करने वाला है। फिर धर्मम बुदास चिन्विते, धर्म को बुदास यानी विद्वान लोग भी चीनते हैं, बुंदेलखंड में चीनते, क्यों चचा बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, चीनते मतलब जानते हैं मानते हैं। फिर धर्मेणेव तृतीया, धर्म के द्वारा ही समापते शिव सुखम, यदि शिव सुख को प्राप्त करना चाहते हो, शिव को प्राप्त करना चाहते हो, सब तो बने हुए हैं, सब और शिव में ज्यादा अंतर नहीं, कितना अंतर है पता है, बोलो ये लड़की बताएगी, सब और शिव एक मात्रा का अंतर है ना, ई शिव में ई है, बस इंद्रियों को वश में कर लो आप भी सब से शिव बन जाएंगे। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि शिव सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो वह धर्म के द्वारा ही हो सकता है। धर्माय तस्मे नमः, और धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। धर्मान न अस्ति अस्य परे, धर्म के सिवाय दूसरा कोई बड़ा नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। भवव्रताम, भव से हमें तारने वाला, धर्मस्य मूलम दया, धर्म को इसीलिए दया का मूल है, दया का मूल क्या है, धर्म। धर्मे चित्त महम ददे प्रतिदिनम, मेरा धर्म धर्म में प्रतिदिन चित्त लगे, और हे धर्म माम पालिए, हे धर्म मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से धम्मो मंगल मुक्षितम, उसी के आगे लिखा है अहिंसा संयमो तौ देवावि तस्य प्रणमंती जस्य धम्मे सयामणो, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसके घट में अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म विद्यमान होता है। यह धर्म में यह धर्म ही हमको उत्कृष्ट पद को दिलाने वाला है। चार बात को याद रख लेना संक्षेप में, धर्म क्या है, धर्म क्यों है, धर्म कब है और धर्म कैसे है। हालांकि समय अपना हो रहा है लेकिन बस एक एक लाइन में इनकी परिभाषा बताकर अभी अपनी वाणी को यही विराम करेंगे कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा अभी आपको हमने बता दी कि चारित्रम खलु धर्म धम्मो वत्थु स्वभाव धम्मो और रत्नत्रय धम्मो उत्तम क्षमादि दस धर्मो, ये धर्म की परिभाषा ही है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं कि एक घंटा या आधा घंटा आप यहाँ बैठ गए हो गया, अरे मंडी में भी वही हो और मंदिर में भी वही हो वो धर्म है, दफ्तर में भी वही हो और आपको देवालय में भी वही हो तो वह धर्म है। ऐसा नहीं कि देवता के सामने तो आप बढ़िया आराम से देव बन जाओ और वहां पर घर में आते ही कोहराम मचा दे तो वह धर्म आपका सही नहीं। सर्वत्र आपको इसको प्रयोग में लेना है, 24 घंटे सोते उठते बैठते जाते धर्म क्यों, धर्म अपने जीवन में पुण्य का संचय करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि पुण्य संचय के लिए नहीं, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए धर्म करो बस। जैसे आईना होता है ना, हमारे चेहरे की धूल को साफ नहीं करता लेकिन हम आईना देखते ही अपने चेहरे की धूल साफ कर लेते हैं। इसी प्रकार से बस धर्म के पास आते ही या धर्म के स्वरूप को समझते ही हम अपने भीतर के उन सारे विकारी तत्वों को दूर करने लग जाते हैं। लेकिन क्या करें, आज के इंसान की स्थिति बड़ी गजब की है कि आदमी आदमी धूल पर धूल जमती जा रही है, धूल पर धूल जमती जा रही है और धूल चेहरे पर है और आदमी आईना साफ करते जा रहा है। जब आपको मौका मिले तभी चोटा लगा दो, अन्यथा फिर पछताने से अलावा और कभी नहीं रहे, कुछ नहीं रहेगा। और धर्म कैसे करें, तो धर्म तल्लीन होके करें, धर्म दिखावा नहीं करें। धर्म का हम दिखावा ढोंढ करते हैं या
धर्म को केवल मात्र दूसरे के लिए नहीं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए धर्म करें तो तभी अपना यह सार्थक होगा। सही बात यह है, पुण्य कमाने के लिए नहीं, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए धर्म करो। फुर्सत में नहीं, फुर्सत निकाल कर धर्म करो। उधार का नहीं, नगद का धर्म करो। पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो, तो हमारा यह धर्म करना सार्थक हो जाएगा। बस आचार्य भगवंत ने भी यही बात हाइकु के माध्यम से कही कि धर्म का फल बाद में न, हाइकु देखो गुरु जी का, धर्म का फल बाद में न अभी है, पाप का क्षय। पाप का क्षय हमारे यहां उधार नहीं, नगद में काम होता है। आप देख लीजिए, जब कभी भी आप अभी यहां बैठे हो तो आपका अहोभाव से भरे हुए हैं, उदास है क्या? सबके चेहरे फूले हुए अच्छे नजर आ रहे हैं, क्यों? धर्म का नगद फल है, समझ में आ रहा है? यही चीज यदि आप कोई गलत काम करते तो आपके अंदर में भय भी रहता, आप संकुचित भी होते, पाप से भी डरते। तो पाप का क्षय तो अभी हो ही रहा है, इसलिए नगद में धर्म करो, उधार में नहीं। बस धर्म अपन करते चले जाएं। आज कुरुम की जो हमने आपको परिभाषा बताई, वह भी याद रखना कि कछुआ हमें क्या शिक्षा दे रहा है, और धर्मनाथ तीर्थंकर की इन बातों के माध्यम से कि धर्म ही सबसे बड़ा है, धर्म को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है। लेकिन बस धर्म को जानते सब है, मानते नहीं, ऊपर से तानते और है, तानना बंद करें। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनिराज। आपको चारित्र की नहीं पढ़ी है, चारित्र की पढ़ी होती तो फिर आप कहीं से कहीं पहुंच जाते। सबकी आपको इज्जत नहीं, इज्जत को मत संभालना आप, आपको चारित्र को संभालना है। इज्जत तो कोई काम की नहीं है, किसी के कहने से आप बर्बाद नहीं हो रहे हो और किसी के कहने से आप आबाद नहीं हो रहे हो, किसी की नज़र में आप ऊँचे भी नहीं होंगे और नीचे भी नहीं होंगे। आप तो अपने आप को झांक कर देखो, अपने आप को टटोल कर देखो कि आप क्या हो, इस पे आप अंदर से विचार करो। तीसरी बात, हमारा हृदय कब अधिक द्रवित होता है? इज्जत की धज्जियाँ उड़ती तब, या चारित्र पर कलंक लगता है तब? कौन बोला? वास्तविकता में है ऐसा? इतनी दमदारी से बोल रहे हो? अरे इज्जत पे धज्जियाँ उड़ती है तो आपके अंदर रोटी अंदर नहीं घुसती है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, हैं, वो क्या कर रहा है। और चारित्र पर कलंक लग जाए उस पर इतना विकल्प नहीं रहता आपको, इज्जत पर ज़्यादा आपकी पड़ी रहतीगी। परंतु होना यही चाह, कुछ भी हो जाए मेरे चारित्र पर कलंक नहीं लगना चाहिए, सब चले जाए, पूरी धन संपदा सब चले जाए, पर नहीं, मेरे चारित्र पर कलंक नहीं लगना चाहिए। चारित्र पर विचार करना, लेकिन हम चारित्र पर कलंक लगा लेते हैं, हम चारित्र को हम निर्दोष नहीं बचा पाते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। सबकी कहानी है ये, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की कहानी है। वो वृद्ध अवस्था में भी हो तब भी वो नहीं मानता है, ये मान के चलना, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी ये कहानी आप लोगों के बीच में सत्यता रख रहा हूँ। चौथा प्रश्न, ये जो मैं चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछ रहा हूँ, अकेले में बैठकर इन चारों प्रश्नों से अपने आप को टटोलना, देखना कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्या वास्तविकता है मेरी। खूब सुन तो रहा हूँ पर मान कहाँ रहा हूँ मैं अपने गुरुओं की और प्रभु की बात। हम अधिक आनंद में कब रहते हैं? इज्जत सुरक्षित रहती है तब, या चारित्र सुरक्षित रहता है तब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जय कुमार जी ने बिल्कुल सही बात बोल दी, क्योंकि जो है वो बोल रहे हैं वो, इज्जत सुरक्षित तो सब सुरक्षित, चारित्र सुरक्षित कितनी परवाह नहीं आपको, इज्जत सुरक्षित की परवाह है, बस इज्जत के पीछे पड़े हो नहीं, मैं कह रहा हूँ चारित्र के पीछे पड़ जाओ आप, चारित्र के पीछे पड़ जाओ। चारित्र निर्मल रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। इज्जत हमारे शरीर की फोटो है, और जबकि चारित्र हमारे शरीर का एक्सरे है, वो एक्सरे है हमारे का, फोटो खराब हो जाए चल जाएगा, एक्सरे तो नेगेटिव ही चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव ही चाहिए एक्सरे तो। पुण्य की अल्पता के कारण समाज में हमारी जितनी इज्जत होगी, जितनी होनी है उतनी हो, वो चल सकता है, परंतु सत्व की अल्पता के कारण हमारा चारित्र अगर खंडित होता है तो अपनी अंतःकरण की अदालत में हम स्वयं अपने आप को लघुता की दृष्टि से अनुभव करेंगे, मैंने क्या किया, ये तो बिल्कुल ठीक करने योग्य नहीं था, बिल्कुल ठीक ना। ध्यान रखना, वस्त्र नंबर 1 पर, अलंकार नंबर 2 पर रखना,
क्योंकि वस्त्र के बिना वो अलंकार, वो क्या करोगे, गहनों को पहन के क्या करोगे आप, ये कोई मतलब नहीं हो गहने पहनने से। वस्त्र नंबर एक पर है ना, अलंकार को नंबर दो पर रखना है। यदि यही शरीर का गौरव है, इसके बिना शरीर का, इसी तरह चारित्र नंबर एक पर और इज्जत नंबर दो पर रखना। उसको इज्जत को आप नंबर दो पर रखोगे तो जीवन का गौरव बनेगा, नहीं तो गौरव नहीं बनेगा, ये निश्चित मान के चलना। पर आप लोगों ने अपने जीवन में किसको ज़्यादा महत्व दिया है बताओ तो, विचार तो करो, किस पर आपकी ज़्यादा दृष्टि है, इज्जत पर कि चारित्र पर। आज से आपने सुना, कोई बात नहीं, मैंने चारों प्रश्न आपसे किए और आपसे चारों बातें पूछी। अब आप लोगों को किस पर गौर करना है, चारित्र पर ध्यान रखना है। इज्जत के पीछे नहीं दौड़ना है, चारित्र के पीछे ही लगना है। चारित्र है तो सब कुछ है, और चारित्र नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ समाप्त कर दिया है चारित्र के बिना। जैसे बम्बई जाना है तो आप जो जानकारी दी कि ये जानकारी ऐसे ऐसे जाना है, हैं, वो पहुँचते हो, रोग है तो कोई औषधि है उससे। इसी प्रकार से यहाँ आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पहुँचने के बाद भी अगर नहीं आप कर रहे हैं, क्रिया से रहित अगर आपका ज्ञान है तो कोई मतलब नहीं। वही सच्चा ज्ञान है जो क्रिया में परिणत हो। आप सुन रहे हो लेकिन उसको क्रिया में लेके आना, वो सद्गुण, वो चारित्र, हाँ, वो प्रतिष्ठा, वो ही आपके अंदर होना चाहिए, उसके प्रति ही होना चाहिए। क्योंकि चारित्र भले ही बड़े मौके पर प्रकट होता हो, पर ध्यान रखना उसका निर्माण तो छोटे छोटे प्रसंगों में ही होता है। क्या बोल रहा हूँ, चारित्र भली बड़े बड़े, मतलब मान लीजिए मुनि बन गए, वो चारित्र हो गए, लेकिन उसका निर्माण छोटी छोटी वस्तुओं, अपने आप को बचाते हुए जब चलोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। निश्चित मान के चलना आप, आपको छोटे छोटे मौके पर संभलते चलना पड़ेगा। तो अंत में इस चारित्र के विषय में बात और एक क्रीम कोटेशन अंत का दे देता हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है आपका। वो उसकी इज्जत नहीं है, उसके पैसे की इज्जत है, ये है ना। वो और अपने आप में वो इज्जत वाला नहीं है, वो अपने आप में जब अकेले में बैठेगा ना तो वो अपने आप को वो नीचे गिरा हुआ मानेगा, जब अंतकरण से बात करेगा तो। ये निश्चित ये मान के चलना, वो अपने आप में तो गिरा हुआ ही है। मैं भी अपने आप की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर ही नहीं रहा हूँ, दुनिया से ऊपर उठ के अपनी बात कर रहा हूँ मैं। ये चारों प्रश्न अपने आप से करने की बात करी मैंने, सामने वाले से नहीं करिएगी। इसीलिए अंत में इतनी बात बोलता हूँ कि बल की जगत प्रशंसा करता है, बल की जगत प्रशंसा करता है, और श्रीमत की जगत, श्रीमत यानी कौन, पैसे वाले से जगत ईर्ष्या करता है। सुनना बात को बहुत ध्यान से, कि बल की जगत प्रशंसा करता है और पैसे वाले से जगत, पूरा जगत ईर्ष्या करता है। सफल व्यक्ति से पूरा जगत स्पर्धा करता है, पूरा जो सफल होगा उससे पूरी दुनिया क्या कॉम्पिटिशन करेगी। पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है, पर विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। इसलिए आचार्य विद्यासागर पर सबको विश्वास है, क्योंकि उनका चारित्र निर्मल है, उनका चारित्र अक्षुण है। अगर आप भी अपने चारित्र को निर्मल बना लोगे तो पूरा संसार आपकी इज्जत करेगा, पूरा संसार आपकी बात को मानेगा। वो आचार्य भगवान का हो गया, समय हो गया, आचार्य भगवान का संस्मरण था। अब कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि अपना अपना समय हो गया, इतना ही रखते। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत प्राप्त करना, उस पर अपनी चर्चा चल रही है और मंगलाचरण अपना हैगा। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को सप्तशील की ओर मोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। कल से नई चर्चा प्रारंभ करी थी अपन ने कि तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। ये कुशील के जाल पे अपन ने बात प्रारंभ करी थी, और हमने यही कहा था कि वो कोयल आम की डाल पर बैठे, चाहे वो कहां पर बैठे, कल्टीले वृक्ष पर बैठे, उसकी आवाज नहीं बदलती। आम कचरे पर ढेर पर उगे या वो बगीचे में उगे, उसकी मिठास में अंतर नहीं पड़ता। गुब्बारा लाल हो, पीला हो, काला हो, सस्ता हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर हवा भरी हुई हो तो वो ऊर्ध्वगमन की यात्रा ही करता है। और उस विषय को लेकर एक ही बात बोली थी, बोला था कि दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है,
और अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। इसलिए वो लाल काला पीला हरा जो है वो क्या है, वो बाहरी इज्जत जरूर है, उसके चक्कर में मत रहना। अंदर की वो हवा वो क्या है, आपका वो चारित्र है। इसलिए आप अगर ऊर्ध्वगमन करना चाहते हो तो चारित्र को जीवन में एक नंबर पर और इज्जत को दो नंबर पर रखना, यही बात बोली थी। और एक पेंसिल का उदाहरण दिया था और उसने पेंसिल में यही बोला था, पेंसिल यही कह रही है मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं है, मेरा कद भी नहीं है, मेरा वजन भी नहीं है, मेरी ताकत अगर है तो मेरे अंदर वो बीच में बैठी काली काली ग्रेनाइट वो मेरी ताकत है। यदि वो यदि सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूँ, वो यदि गायब है तो मैं अनुपयोगी हूँ। अगर अपने आप को आप संपत्ति सत्ता या सौंदर्य की सामग्री के बल पर बलशाली मानते हैं तो आप एक नंबर के मूर्ख हैं। सद्गुण सच्चारित यही सच्ची ताकत है, वो आपके पास है कि नहीं। अगर वो सच्चारित आपने गवा दिया तो आपका पूरा जीवन बेकार है। और मैंने कहा था कि दूसरों को मत देखना, इंसान को देने में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि पाने में है, जितनी रुचि नापने में है। तो वो जो नापना है आपको, लेकिन उस बुद्धि स्केल से किसको नापना है, अपने आप को नापना है, दूसरे को नहीं नापना है। मेरे द्वारा की गई नाप अगर कहीं गलत साबित हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए अपने आप को नापते चलना, ये बात भी अपन ने कल करी थी और कल करी थी कि क्या तिजोरी से सौंदर्य से और आपके संपत्ति से वो छलाछल भरी आप सत्ता हो, लेकिन जहाँ आठ डालो वो भी आपको सफलता मिलती चली जा रही हो। ओजस्वी वक्तत्व कला हो, प्रबल लेखन कला हो, सुंदरता हो, पुण्यदय शिखर पर हो, स्पर्श करता हो, उस समय और उस वातावरण में अपने चरित्र की को बचा पाना बहुत बड़ी बात है। उसीलिए उसमें कहा था हमने, दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरा चारित्र। ये बात बोली थी, क्योंकि चारित्र को तो हम कहाँ से संभाल सकते हैं, अपने परिणामों की निर्मलता ही संभाल सकते हैं। और आप हम अपनी दृष्टि में प्रधानता किसकी हो, इज्जत की। चार प्रश्न पूछे थे मैंने और मैंने कहा था चिंतन करना इन चार प्रश्नों को। पहला प्रश्न था हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी, इज्जत की या चारित्र की। दूसरा था हम किस विषय में सावधान है, इज्जत को बचाने के विषय में या चारित्र को संभालने के विषय में। हमारा हृदय कब दमित होता है, इज्जत की धज्जियां उड़ती है तब या इज्जत पर कलंक लगता तब। हम अधिक आनंद में कब रहते हैं, इज्जत सुरक्षित रहती तब या चारित्र सुरक्षित रहता तब। ये बात हमने आप लोगों के लिए बोली थी, क्योंकि वो जो इज्जत है वो शरीर का फोटो है और चरित्र है वो शरीर का एक्सरे है, ये वाली बात भी बोली थी। और ये भी कहा था कि वस्त्र नंबर एक पर और अलंकार नंबर दो पर रखना, उसी प्रकार चरित्र नंबर एक पर और इज्जत नंबर दो पर रखना। इज्जत चारित्र है तो सब कुछ है, नहीं है वो चारित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चारित्र को आप बचा के रखोगे तो ये मान के चलना आपका जीवन बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा उठ जाएगा। और अंत में एक बात बोलकर अपनी बात विराम करी थी, क्या बोला था, बल्कि जगत प्रशंसा करता है, श्रीमंत पैसे वाले की जगत ईर्ष्या करता है, सफल व्यक्ति से जगत स्पर्धा करता है, परंतु विश्वास तो जगत बोलो ना चारित्र पर ही करता है। विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। अब बात करते हैं चारित्र की आज से और प्रारंभ, अभी तो लंबी श्रृंखला चलेगी। क्या है ये चारित्र, चारित्र क्या है? वैसे तो इसकी अलग अलग व्याख्या है जो है, पर मुख्य व्याख्या प्रारंभ करता हूं चारित्र क्या है। चारित्र क्या, अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानव विश्वास पात्र साबित हो। क्या बोल रहा हूं चारित्र की परिभाषा में, क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अपने अंतःकरण की अदालत में, बाहर की नहीं अपने अंदर की, आप जो आप अंदर हैं वो, अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानव विश्वास पात्र साबित हो, वो है चारित्र। आप बाहर की इस जगत में विश्वास है कि नहीं, आपकी अपनी पत्नी को आप पर विश्वास है कि नहीं, आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है कि नहीं, आपने अपना विश्वास खोया तो नहीं है? अगर विश्वास खो दिया है तो चारित्र चला गया है।
आपके अंतःकरण की अदालत में भी आप खड़े हो जाओ और अपने आप को कहो, नहीं मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपका चरित्र निर्मल, वो चरित्र है कि आप अंदर खड़े होकर भी बड़े दमदारी के साथ ठोक बजा के कह सको कि मैं चरित्र से निर्मल हूँ, और बाहर भी हर व्यक्ति कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा सके, तो वो है आपका चरित्र। ध्यान रखना कि शरीर के क्षेत्र में बलवान रहने एक बार बहुत ही सरल और सहज, शरीर आप बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि पथ्य का पालन कर लो, कुपथ्य का त्याग कर दो, इंद्रियों को संयम में रखो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठीक है, नियंत्रित आपकी आहारचर्या हो गई तो बस शरीर आपका बलवान हो जाएगा, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा और लगभग आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। वहीं संपत्ति के क्षेत्र में भी आप श्रीमंत और सेठ बनने में कोई विशेष तकलीफ नहीं आती, बस सम्यक पुरुष आपके अंदर से भावना हो और प्रचंड पुरुषार्थ हो और उस पुरुषार्थ में थोड़ा बहुत पुण्य का मजबूत सहारा मिल जाए, तो उस पुण्य के सहारे से और आपके पुरुषार्थ से आप बहुत बड़े व्यक्ति भी बन सकते हैं, श्रीमंत भी बन सकते हैं, सेठ भी बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसको बनने में, परंतु चारित्रवान बनने में तो दम निकल जाता है, चारित्रवान बनने में तो दम निकल जाता है। क्या कारण है कि चारित्रवान बनने में दम निकल जाता है? क्योंकि कारण ये है कि प्रलोभनों को इनकार करने के साहस की कमी और प्रलोभन को ठुकरा देने के सत्व की अल्पता, जब प्रलोभन सामने आते हैं तो साहस नहीं होता है, उन प्रलोभनों को हम क्या इनकार कर दें, उन प्रलोभनों को हम ठुकरा दें, इतना हमारे अंदर नहीं हो पाता है, क्योंकि निश्चित बात है कि सिंह के समूह से बहुत बड़ा वो सिंह का समूह, उसमें बीच में घिरा वो हिरण बचना फिर भी सरल है, अपने आप को बचा लेता है, मगरमच्छ के मुंह से फंसे हुए पैर भी बाहर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी निकल सकते हैं, खूंखार गुंडों के बीच में फंसी हुई कोई एक अबला महिला भी वहाँ से भागने में शायद सरल है, परंतु छोटे छोटे प्रलोभनों के बीच से भाग छूटना और उन प्रलोभनों के अधीन ना होना, इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी अंदर से ताकत चाहिए, उसकी क्षमता आपके अंदर है कि नहीं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण है कि नहीं हो पता, एक ही कारण है, क्या मन प्रलोभन, मन को प्रलोभन अच्छे लगते हैं, मन को क्या अच्छे लगते हैं, प्रलोभन अच्छा लगते हैं, मन को कीचड़ अच्छा नहीं लगता और शायद वो गुलाब भी अच्छा लगता है, नहीं लगता हो क्यों, मन को दरिद्रता अच्छी नहीं लगती और शायद श्रीमंताई भी अच्छी नहीं लगती, मन को अपमानजनक शब्द अच्छे नहीं लगते, शायद सम्मानजनक शब्द भी अच्छे नहीं लगते, परंतु प्रलोभन, प्रलोभन ऐसा है, उस प्रलोभन के चक्कर में वो सब कुछ छोड़ देता है, जैसे ही चूहा देखता है बिल्ली को तो क्या होता है, उस पर छलांग लगाने में तत्पर हो जाते हैं, बिल्कुल चूहा देखा नहीं और बिल्ली छलांग लगाएगी लगेगी, प्रलोभन उपस्थित होते ही मन और इंद्रियों को उसमें प्रवर्तित करने से बचाने के लिए अपने आप को बहुत उत्साहित करना पड़ता है, इस स्थिति में चरित्रवान बने रहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि ध्यान रखना वो बड़ा पर्वत पार करने में जैसे हिम्मत चाहिए, तो उस बड़े पर्वत पार ऐसे नहीं होया जाता, बड़ा पर्वत पार करना है अभी हम बड़ा पर्वत पार कर दें एकदम, नहीं, पहले आप कम से कम आपने पहले छोटी छोटी पहाड़ियाँ पार करी होगी तो कहीं जाकर आप बड़ा वो पर्वत पार कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, एकदम डायरेक्ट आप माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे, पहले छोटे मोटे आपको शिखर जी जैसे पर्वत चढ़ने होंगे जब कहीं आप उस हिमालय पर चढ़ पाओगे। मान लो कोई एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं सा लगा रहा है, उसने पहले गली में क्रिकेट खेला होगा बचपन से, वो गली में या छोटे मैदान पर उस छोटे से घर में उसने बचपन से क्रिकेट खेला होगा, तब कहीं जाकर वो वहाँ जाकर टेस्ट मैच में भारत की ओर से वो खेल रहा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर।